तो अभी लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था ब्लड के बारे में। अब ये वाला टॉपिक है करंट अपडेशन, मतलब कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट के पॉइंट को अपडेट करेंगे। वॉल्यूम ठीक आ रहा है आप लोगों को? करंट अपडेशन मतलब कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट के ठीक पॉइंट। है, ओके। डाउट आप लास्ट के 5 मिनट में पूछ लीजिएगा, पहले मैं टॉपिक पूरा कंप्लीट करता हूँ। देखिए ये इंडिया का मैप, इसमें ये जो पार्ट है, इधर वाला पोर्शन देखें, इसे कहते हैं चिकन नेक। ये जो पोर्शन है ये चिकन नेक कहते हैं। इधर का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया अगर आप देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है बाय दिस चिकन नेक एरिया। चिकन नेक एरिया इस तरफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे ईरान, यहाँ पर ईरान है। तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ऊपर अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। जब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, ये बांग्लादेश का एरिया है, यहाँ पर बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जब इंडिया का पार्ट हुआ करता था तो ये अपने पास काफ़ी वाइड एरिया था, वाइड एरिया था। पर बांग्लादेश के अलग होने की वजह से, बांग्लादेश का जो सेपरेशन हुआ, ये एरिया नैरो हो गया, नैरो हो गया। अभी शायद देख पा रहे होंगे, तो ये एरिया अभी नैरो हो गया। ये वाला एरिया है चिकन नेक, ठीक है। चाइना इलीगली क्लेम करता है अरुणाचल के एरिया पे, चाइना इलीगली अरुणाचल पे क्लेम करता है कि हमारा एरिया है। कुछ टाइम पहले इसने भूटान के एक एरिया डोकलाम, डोकलाम में हाईवे कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इंडियन आर्मी ने क्यों उसका विरोध किया? चाइना भूटान में डोकलाम में हाईवे बना रहा था, इंडियन आर्मी ने क्यों उसका अपोज किया? क्योंकि हमारा भूटान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। अब भूटान के पास 4,000 की आर्मी स्ट्रेंथ है, वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। तो हमने भूटान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट पहले से हमारा है कि एक तो जोग्राफिकली भूटान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर डोकलाम में चाइना हाईवे बना लेता तो कल को चिकन नेक को अलग करने की सोचता। अगर चिकन नेक का एरिया कट ऑफ हो जाए तो हमारा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट ऑफ हो जाएगा। दो एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट करना, एक तो नॉर्थ ईस्ट कि वहाँ के लोग पूरी तरह से कनेक्टेड फील करें, डेवलपमेंट वगैरह हो, और दूसरा एरिया आप ऑलरेडी जानते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये दो एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। बाकी ये तो इधर तो ओशियन का पार्ट है, ये सारा ओशियन का एरिया है। मेन जो प्रॉब्लम हमें टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की तरफ से टेररिज्म, ऊपर चाइना बैठा हुआ है, फंडिंग वंडिंग भी करता है टेररिस्टों को, पाकिस्तान में चाइना का इंटरफेरेंस इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट का एरिया और कश्मीर का एरिया। तो पहला जो डेवलपमेंट हम लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में किस किस तरह के वर्क हो रहे हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट लिखिए।
क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर क्यों हमारा फोकस है, इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों हम उस एरिया में पहले कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। थंडर बोल्ट जो आपने वर्ड लिखा है, भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, पीस लविंग कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, पीस लविंग। अब लिखिए, और सिक्किम कहाँ पर है, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान के बीच में, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पार्ट, नेपाल भूटान के बीच में जो हिस्सा दिख रहा है सिक्किम। अगर आप सिक्किम के ऊपर देखो तो चाइना है, एक तरफ भूटान एक तरफ नेपाल। सिक्किम भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री बनाता है, केवल एक, वेस्ट बंगाल, क्योंकि अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है। सिक्किम के एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, ऊपर चाइना है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री बनाता है वेस्ट बंगाल के साथ। पैक्योंग एयरपोर्ट ये कहां पर बनाया गया है, पैक्योंग एयरपोर्ट ये कहां बनाया गया, पासीघाट एयरपोर्ट अभी हाल ही में ऑपरेशनल हुआ है, ये कहां पर है, पासीघाट, ढोला सादिया ब्रिज, ये क्या चीज है, ढोला सादिया ब्रिज, चेनानी नासरी टनल, चेनानी नासरी टनल, अटल टनल, अटल टनल, ये कहाँ बनाई जा रही है। अब सुनिए, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, सिक्किम में एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है, इसका नाम है पैक्योंग। इंडिया में 100 नंबर का एयरपोर्ट जो ऑपरेशनल हुआ, इसका नाम है पैक्योंग। 100 नंबर एयरपोर्ट सिक्किम में ऑपरेशनल हुआ पैक्योंग, और सिविल इंजीनियरिंग का एक तरीके से मास्टरपीस है ये, आरसीसी का एक पूरा अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है इसको बनाने के लिए। तो पैक्योंग एयरपोर्ट ये ऑपरेशनल हो गया है सिक्किम में, पैक्योंग ऑपरेशनल हुआ है सिक्किम में, पासीघाट ऑपरेशनल हुआ है अरुणाचल में। तो हमें अपनी कनेक्टिविटी तो बेटर करनी ही पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक को इंटरलिंक करके पढ़ना। जैसे एक जिक्र आया सिक्किम का, तो सिक्किम के बारे में कुछ और पॉइंट भी यहीं पर नोट कर लीजिए। सिक्किम ने इंडिया को ज्वाइन किया था 1975 में, पहले इंडिया का पार्ट नहीं था ये, सिक्किम ज्वाइंड इंडिया इन 1975। पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट है अपना, एरिया में गोवा, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट है, एरिया में सबसे छोटा स्टेट गोवा। क्लीनेस्ट स्टेट है इंडिया का, क्लीनेस्ट स्टेट, इंडिया के सिर्फ एक राज्य से बाउंड्री बनाता है वेस्ट बंगाल के साथ, शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ओनली वन स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल। एक ही स्टेट से बाउंड्री बनती है सिक्किम की वेस्ट बंगाल के साथ। सिक्किम से ही आती है तीस्ता रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, दिबांग, कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, उनमें से एक है तीस्ता, जो यहीं से फ्लो करती है सिक्किम से। पूछा जाए कि तीस्ता रिवर का फ्लो कहाँ से है, सिक्किम से। तीस्ता रिवर यहीं पर है, और वहाँ पर नोट भी कर लीजिए आप, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो सिक्किम 1975 में इंडिया में जुड़ा, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट है, क्लीनेस्ट स्टेट है, बाउंड्री सिर्फ एक राज्य से बनाता है वेस्ट बंगाल के साथ, और तीस्ता रिवर
ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, सिक्किम से ही फ्लो करती है और सिक्किम में ही पड़ता है कंचनजुंगा माउंटेन। कंचनजुंगा का काफ़ी एरिया सिक्किम में पड़ता है। हिमालय की तीन सबसे ऊंची पीक, पहली है एवरेस्ट, दूसरी है गॉडविन आस्टिन, या उसको केटू कह देते हैं या उसको कागीर कह देते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जिसका एरिया नेपाल और चाइना मिलाई करता है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जिसका एरिया चाइना और नेपाल मिलाई करता है, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। तो सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो तो हिमालय है, हिमालय की जो पीक्स हैं वो वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं। पर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा माउंटेन, लॉन्गेस्ट कौन है, कि हाइट तो नहीं पर लेंथ में सबसे लंबा माउंटेन, साउथ अमेरिका का एंडीस, ANDES, तो एंडीस माउंटेन सबसे लंबा माउंटेन है, जिसकी सबसे ऊंची पीक का नाम है एकंकागुआ। लॉन्गेस्ट माउंटेन है एंडीस, ANDES, उसकी सबसे ऊंची पीक का नाम है एकंकागुआ। एकंकागुआ स्पेलिंग ये है, एंडेस माउंटेन की सबसे ऊंची पीक है एकंकागुआ, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये, ठीक है। तो सबसे ऊंची पीक एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे केटू, केटू का काफ़ी हिस्सा पीओके में पड़ता है। तो पीओके इंडिया का पार्ट है, जो कश्मीर का एग्रीमेंट था वो इंडिया के साथ साइन हुआ है, गलती से वो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो आज नहीं तो कल उसको वापस लेना है। हम थोड़ी अपने मैप पे शो नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर मैप में वो क्यों दिखा रहे हैं, अरे अपना एरिया है, अगर हम उसको मैप में शो नहीं करेंगे, मैप में उसको नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब क्या हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया, वो अपना ही एरिया है, वापस लेना है वो, तो ठीक है। तो पीओके केटू का ज़्यादा एरिया पड़ता है पीओके में। और तीसरी सबसे ऊंची पीक कंचनजुंगा, पहले पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे केटू। माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना में पड़ता है, केटू पीओके साइड एरिया में पड़ता है जम्मू कश्मीर, और तीसरी सबसे ऊंची पीक कंचनजुंगा सिक्किम में ही है। कंचनजुंगा सबसे ऊंची, तीसरे नंबर पे पीक कंचनजुंगा, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। थर्ड हाईएस्ट हिमालयन पीक। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चैमलिंग अभी तो नहीं है, पर सबसे लंबा समय मुख्यमंत्री कौन रहा, पवन चैमलिंग। सिक्किम के सीएम पवन चैमलिंग 24 इयर्स तक सीएम रहे, अब तो चेंज हो गए, पर 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे पवन चैमलिंग, सिक्किम के मुख्यमंत्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला इंडिया का पहला स्टेट जिसने केमिकल्स को बैन कर दिया है और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर शिफ्ट कर गया है, कौन सा स्टेट है जो नेचुरल फार्मिंग पे आ गया है और केमिकल्स को बैन किया है। हाँ, वन फैमिली वन जॉब, ये भी सही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भारत का पहला राज्य, वो भी सिक्किम है, केमिकल्स को बैन किया इसने। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने एक प्रोग्राम चलाया है कि ट्रीज वगैरह को अपना फैमिली मेंबर बनाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड वन प्रोग्राम टू मेक फ्रेटर्नल टाइज विद ट्रीज। भारत के किस राज्य ने एक प्रोग्राम चलाया है कि पेड़ों वगैरह से फ्रेंडशिप, उसको अपना फैमिली मेंबर मानना, ये सिक्किम का प्रोग्राम है। सिक्किम ने ही स्टार्ट किया है प्रोग्राम, सिक्किम ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है टू मेक फ्रेटर्नल टाइज विद ट्रीज। सिक्किम का प्रोग्राम है टू मेक फ्रेटर्नल टाइज विद ट्रीज, पेड़ों को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना। ठीक है, तो ये समझ आ गया पैक्योंग एयरपोर्ट। एक्चुअल में एक स्कीम है उसका नाम है उड़ान स्कीम। एक स्कीम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया। उड़े देश का आम नागरिक, कि एविएशन सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए
एविएशन सेक्टर को बूस्ट किया जाए, और जो हमारे टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज़ हैं, टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज़ हैं, उनसे कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, रीजनल कनेक्टिविटी को बेटर किया जाए। तो ये प्रोग्राम है उड़ान योजना, इसमें 1 आवर की फ्लाइट 500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस, मैक्सिमम फेयर 2500 पे करना होगा। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का प्रोग्राम है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, और ये प्रोग्राम 1 आवर की फ्लाइट 500 किलोमीटर तक डिस्टेंस, मैक्सिमम फेयर 2500 रुपी तक होगा, और टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटी, छोटे शहरों से कनेक्टिविटी को बेटर करना और एविएशन मार्केट को बूस्ट करना, ये इसका टारगेट है। तो उड़ान योजना के तहत हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अब देखो क्या कर रहे हैं, उड़ान स्कीम के लिए नए एयरपोर्ट बनाए भी गए हैं, और जो पहले से एयरपोर्ट थे उनको बेटर भी किया गया है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, नए एयरपोर्ट को बनाना भी, और जो पहले से एयरपोर्ट है उनका मेंटेनेंस भी करना, उनको ठीक करके ऑपरेशनल कंडीशन में लाना, दोनों चीज़ें हैं। तो पैक्योंग एयरपोर्ट, ये समझ आ गया, सिक्किम। फिर है पासीघाट एयरपोर्ट, पासीघाट एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है अरुणाचल में। अब क्वेश्चन आता है कि तवांग मॉनेस्ट्री ये भारत में कहाँ स्थित है, आंसर होगा अरुणाचल। तवांग मॉनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल में है। ढोला सादिया ब्रिज ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है लोहित, ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है लोहित, उसके ऊपर बनाया गया इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर लोहित रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। तो ढोला सादिया असम में है, ये असम में, और लोहित रिवर के ऊपर बनाया गया, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। पहले जो हमारे डिफेंस फोर्सेस होते थे उनको काफ़ी दूर घूम के जाना पड़ता था, अगर उनको अरुणाचल तक जाना हो। ढोला सादिया ब्रिज के ऑपरेशनल होने की वजह से विद इन 1 आवर वहाँ तक पहुँच सकते हैं, विद इन 1 आवर हमारे डिफेंस फोर्सेज पहुँच सकते हैं। तो ढोला सादिया लोहित रिवर के ऊपर बनाया गया, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और इसका नाम रखा गया है असम के फेमस सिंगर भूपेन हजारिका के नाम पे, जिनको हाल ही में भारत रत्न मिला है। तो असम में है, नेम्ड आफ्टर भूपेन हजारिका, जिनको हाल ही में दिया गया भारत रत्न। तो इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज 9.15 किलोमीटर, ढोला सादिया लोहित रिवर असम में, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, नाम रखा गया भूपेन हजारिका के नाम पे। ठीक है, अगला पॉइंट। ढोला सादिया से पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज था महात्मा गांधी सेतु, गंगा रिवर पटना, 5.6 किलोमीटर लंबाई उसकी। तो इससे पहले लॉन्गेस्ट था महात्मा गांधी सेतु पटना गंगा रिवर, 5.6 किलोमीटर लॉन्ग। ढोला सादिया उससे भी ज़्यादा लेंथ है। चाइना ने बनाया है सबसे लंबा ब्रिज वर्ल्ड का, उसकी लंबाई है 55 किलोमीटर। 3 शहर हैं जिनको जोड़ रहा है, हांगकांग को जोड़ रहा है, मकाऊ एक जगह है, मकाऊ, और एक जुहाई, ZHUHAI, हांगकांग, मकाऊ, जुहाई, इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है चाइना वाला ब्रिज। वो 55 किलोमीटर का है, सी के ऊपर बनाया है उसने, समुद्र के ऊपर बनाया। चेनानी नासरी जवाहर टनल सबसे लंबी टनल हुआ करती थी, उससे भी लंबी टनल बनाई गई है चेनानी नासरी है इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल, 9.2 किलोमीटर लॉन्ग, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। इससे पहले सबसे लंबी टनल हुआ करती थी जवाहर टनल जम्मू कश्मीर में,
उससे भी लंबी टनल चेनानी नासरी जम्मू एंड कश्मीर 9.2 किलोमीटर, इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल। अगला, फिर इससे भी बड़ी एक टनल बनाई जा रही है जोजिला, जोजिला इससे भी बड़ी टनल है। जोजिला टनल ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल ऑल वेदर टनल, एक साथ दोनों तरफ ट्रैफिक मूव करेगा। एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी जोजिला, पर अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, इसकी लंबाई 14.3 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई है 14.3 किलोमीटर। अंडर कंस्ट्रक्शन टनल, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो चेनानी नासरी ऑपरेशनल है 9.2 किलोमीटर, जो जिला अंडर कंस्ट्रक्शन है जम्मू कश्मीर में 14.3 किलोमीटर, पर अभी ऑपरेशनल नहीं है। एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल, एक साथ दोनों तरफ ट्रैफिक का मूवमेंट होगा। अटल टनल, अटल टनल बनाई जा रही है मनाली को लेह से जोड़ने के लिए, मनाली को लेह से कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। मनाली को कनेक्ट कर रहे हैं लेह से अटल टनल, रोहतांग से क्रॉस करेगी वो, रोहतांग पास है ना हिमाचल में। अटल टनल मनाली टू लेह अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी, अभी 8.8 किलोमीटर लॉन्ग है ये। अटल टनल मनाली टू लेह वाया रोहतांग, मनाली टू लेह वाया रोहतांग 8.8 किलोमीटर लॉन्ग, 8.8 किलोमीटर लॉन्ग, रोहतांग से पास करेगी, रोहतांग पास है हिमाचल में। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? या स्पीड बहुत तेज लग रही है, लिख नहीं पा रहे हो तो बताओ। आरोहण की वेबसाइट पे करंट के नोट्स निकालोगे तब भी ठीक है। बांद्रा वर्ली सीलिंग पुष्कर थर्ड नंबर पे आता है, बांद्रा वर्ली सीलिंग जो जोड़ा गया है वो थर्ड नंबर पे है, बांद्रा वर्ली सीलिंग थर्ड नंबर पे आता है। सबसे लंबी सबसे लंबा ये हो गया ढोला सादिया, उसके बाद महात्मा गांधी सेतु, उसके बाद बांद्रा वर्ली सीलिंग। और भी टनल हैं कई सारी, जैसे रेलवे की टनल, रेलवे की सबसे लंबी टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है पीर पंजाल, पीर पंजाल हिमालय की रेंज भी है ये, पीर पंजाल रेलवे टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल 11.3 किलोमीटर लॉन्ग, 11.3 किलोमीटर लॉन्ग अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये जोड़ेगी जम्मू को बारामूला से, जम्मू टू बारामूला। पीर पंजाल रेलवे टनल ये कनेक्ट करेगी जम्मू को बारामूला से, जम्मू बारामूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल टनल हो गई। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है कहां पर? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये बनाया गया है ओवर चेनाब रिवर, ओवर चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है चेनाब रिवर के ऊपर। चेनाब को वेदों में किस नाम से जाना गया है, इसका वैदिक नेम क्या है? चेनाब रिवर का वैदिक नेम है अस्किनी, जैसे इंडस का नाम वेदों में सिंधु है, चेनाब का नाम अस्किनी है। झेलम का नाम है वितस्ता, वितस्ता। रावी का नाम है परुष्णी, परुष्णी पी ए आर यू एस एच एन आई परुष्णी। और ब्यास रिवर का नाम है विपासा रिवर, विपासा रिवर। तो इनके वैदिक नेम भी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इंडस को कहते हैं सिंधु, चेनाब को कहते हैं अस्किनी, झेलम को बोलते हैं वितस्ता, रावी को कहते हैं परुष्णी, ब्यास को कहते हैं विपाशा रिवर। तो ये सब अलग, सतलज को शतुद्री, सतलज को बोलते हैं शतुद्री। तो यही वो एरिया था सप्त सिंधव रीजन, जहाँ पे हड़प्पंस बसते थे पहले, हड़प्पंस इंडस के आसपास रहते थे। तो सप्त सिंधव रीजन वही एरिया था जो शुरू में तो हड़प्पन इंडस के पास रहते थे,
आर्यंस जो रहते थे वो इंडस से चलना शुरू किए थे और पूरा सप्त सिंधु कवर करते चले थे। हड़प्पंस के बाद आए थे आर्यंस, जो हड़प्पन तो एक जगह पे बसे हुए रहते थे, अर्बन प्लानिंग मिलती थी। तो हड़प्पन जब ख़त्म हो गए, आर्यन आए, तो आर्यन एक जगह सेटल लाइफ नहीं जीते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो हिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने आपको सप्त सिंधव रीजन, सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी, वहीं से आर्यन मूव करते 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 आगे पहुंच गए गंगा के पास, वहीं से फिर शुरू होता है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो हिस्ट्री में हमने पूरी बात कंप्लीट कर रखी है। तो जम्मू टू बारामूला पीर पंजाल रेलवे टनल, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर अस्किनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया से नेपाल। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ रह गया था कुछ, अटल टनल बता दिया शायद, हाँ ये सब हो गए। एक ब्रिज बनाया गया है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना है ये। एक ही ब्रिज में रोड भी है और रेल भी चलेगी दोनों, बोगीबिल ब्रिज जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर लंबाई है बोगीबिल ब्रिज। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना है असम में। टू स्टोरी ब्रिज है, एक स्टोरी पे ट्रेन चलेगी, एक पे रोड नॉर्मल ट्रैफिक का ये कार्यवाहे चलेंगी, तो एक पे रेल और एक पे नॉर्मल रोड। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर ब्रह्मपुत्रा रिवर। बोगीबिल इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? पहली ट्रेन तो सबको मालूम है कि 1853 में चली थी डलहौजी के टाइम पे मुंबई ठाणे, पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? वो भी महाराष्ट्र में ही चली थी 1925 में, विक्टोरिया कुर्ला। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी 1925 में चली थी विक्टोरिया से कुर्ला, लिखो इसको, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन विक्टोरिया कुर्ला, और ओवरऑल फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, इंडिया के बारे में लिख रहे हैं ये, इंडिया के लिए फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया बॉम्बे टू बॉम्बे ठाणे, बॉम्बे ठाणे 1853, इस समय था गवर्नर जनरल डलहौजी, डलहौजी। पहली ट्रेन इंडिया में बॉम्बे ठाणे डलहौजी के समय में 1853, और इसके अगले ही साल शुरू किया था पोस्टल सर्विसेज। 1854 में इंडिया में पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत होती है। इंडिया पोस्ट ने हाल ही में एक सर्विस को टर्मिनेट कर दिया है कि अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं है, टेलीग्राम, टेलीग्राम सर्विस जो होती थी इंडिया पोस्ट ने अब उसको ख़त्म कर दिया, ज़रूरत नहीं है। 1854 में शुरू हुआ था पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, और भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में टेलीग्राम सर्विस को टर्मिनेट कर दिया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया की जिम्मेदारी रूरल एरिया में किनको दी गई है? रूरल एरिया में हर जगह नेट को पहुंचाना, डिजिटल सर्विसेज लोगों को मिले, इसकी जिम्मेदारी किसको है? किसके पास इतना बड़ा नेटवर्क अवेलेबल है कि गांव-गांव तक रीच है? भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट की जिम्मेदारी है। तो डिजिटल इंडिया में ये काम इंडिया पोस्ट को दिया गया है कि रूरल एरिया में हर जगह कनेक्टिविटी पहुँचे, डिजिटल सर्विसेज की डिलीवरी हो पाए, ये काम दिया गया है इंडिया पोस्ट को। इस बार का ईएस का क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, ठीक है, लिखिए इसमें अगला क्वेश्चन। तो रेलवे की शुरुआत यहां से हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका दूसरा नाम है ट्रेन 18, इसको तैयार किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में,
इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इसका जब ट्रायल किया था तो 180 किलोमीटर पर आवर पे ट्रायल हुआ था इसका, 180 किलोमीटर पर आवर पे सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था वंदे भारत का, पर ट्रैक की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम लगातार उसको 180 पे रन कर पाए। अभी जो ये रन कर रही है 135-140 के आसपास, जो रन कर रही है ये 135-140 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तो वंदे भारत एक्सप्रेस वैसे देखा जाए तो फास्टेस्ट ट्रेन है, सेमी बुलेट ट्रेन है ये, सेमी बुलेट इंडियाज फास्टेस्ट, 180 किलोमीटर पर ट्रायल किया गया था। पर गतिमान एक्सप्रेस वो रन कर रही है तकरीबन 145, टॉप स्पीड तो उतनी नहीं है, इसका ट्रायल 180 किलोमीटर पर आर पे था, पर ये रन कर रही है 135-140 के आसपास, जबकि गतिमान 145 के आसपास रन कर रही है। गतिमान का रूट था दिल्ली से आगरा, एक्सटेंड करके झांसी तक हो गया है वो, गतिमान चलती है दिल्ली से झांसी के बीच, और इसका रूट है दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी, वंदे भारत दिल्ली टू वाराणसी ट्रेन 18 इसी का नाम है। और ये है इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन, जो कोचेज होंगे कोच खुद ही एनर्जी जनरेट करेंगे, कोच खुद ही एनर्जी जनरेट करेगा, इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन, इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन वंदे भारत है, इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड, इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन। देख लो एक बार, नोट कर लिया, फिर आगे लिखें। स्पीड अगर तेज लग रही है तो बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड में फर्स्ट बुलेट, इसकी शुरुआत कहां हुई थी, वर्ल्ड की पहली बुलेट ट्रेन, वर्ल्ड की पहली बुलेट ट्रेन चली थी 1964 शिनकैंसेन सिटी जापान, पहली बुलेट चली थी 1964 में शिनकैंसेन सिटी जापान में। इंडिया वाला रूट है, इंडिया में चलेगी मुंबई टू अहमदाबाद, इसको फंडिंग की जापान ने, फंडेड बाय जापान। इंडिया में बुलेट अभी ऑपरेशनल होनी है, अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ इस पर, काफ़ी काम होना है। पहली बुलेट 64 में चली थी जापान में, इंडिया में मुंबई अहमदाबाद रूट होगा, फंडिंग इसको जापान ने की है। रेलवे का लॉन्गेस्ट रूट इंडिया में, रेलवे का लॉन्गेस्ट रूट है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, असम से लेके कन्याकुमारी तक। उससे पहले लॉन्गेस्ट रूट हुआ करता था हिमसागर एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी पहले हुआ करता था लॉन्गेस्ट रूट, अभी लॉन्गेस्ट रूट है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट विवेक एक्सप्रेस,
विवेक एक्सप्रेस रूट है इसका डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी अर्लियर हिमसागर एक्सप्रेस, इससे पहले हुआ करता था हिमसागर एक्सप्रेस का रूट लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रशिया, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ट्रांस साइबेरियन रशिया। प्राइवेट ट्रेन चलाई है अभी तेजस एक्सप्रेस, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, दूसरी भी तेजस है और तीसरी है महाकाल एक्सप्रेस, तीसरी है महाकाल एक्सप्रेस। महाकाल एक्सप्रेस तेजस है इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। महाकाल है थर्ड प्राइवेट ट्रेन, थर्ड प्राइवेट ट्रेन, दोनों को ही चला रहा है IRCTC, दोनों को ही चला रहा है IRCTC। तो तेजस एक्सप्रेस और महाकाल एक्सप्रेस दोनों ही IRCTC चला रहा है, दोनों ही प्राइवेट ट्रेनें हैं। तेजस इसका रूट पहली जो तेजस प्राइवेट चली है वो दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली टू लखनऊ पहली प्राइवेट तेजस चली है दिल्ली लखनऊ, और महाकाल एक्सप्रेस का रूट है वाराणसी से उज्जैन। तेजस एक्सप्रेस का रूट लखनऊ दिल्ली और महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी उज्जैन, पहली दोनों तेजस प्राइवेट हैं और ये महाकाल चली है वाराणसी से उज्जैन के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन दीव, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली इनको मर्जर कर दिया गया है और सिंगल यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये जो हमारे दो यूटी हैं इनका मर्जर हो गया है, 26 जनवरी को अनाउंस हो गया है, ये दोनों मर्ज हो गए, सिंगल में कन्वर्ट हो गए। तो दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दोनों मर्ज हो गए और सिंगल इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। अब एक क्वेश्चन है, दमन एंड दीव और गोवा, दमन एंड दीव और गोवा ये पुर्तगालियों के कब्जे में था एरिया, इंडिया को वापस कब मिला था? दमन एंड दीव प्लस गोवा 1961 चलाया था ऑपरेशन विजय आर्मी ने, ऑपरेशन विजय आर्मी ने इसे वापस लिया था, दमन दीव एंड गोवा इंक्लूजन इनटू इंडिया 1961 गोवा दमन एंड दीव ऑपरेशन विजय चलाया आर्मी ने और इसको वापस इंडिया में ऐड किया था, पुर्तगालियों से फ्री कराया था, इस एरिया को पुर्तगालियों से फ्री किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट पूछेगा सागर तो आंसर लिखोगे आप ये ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑपरेशन विजय करगिल वॉर में भी चला था, करगिल वॉर में जो ऑपरेशन था आर्मी का उसका भी नाम विजय था, करगिल वॉर में आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन विजय और एयरफोर्स ने चलाया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। करगिल वॉर में आर्मी वाले का नाम था ऑपरेशन विजय, एयरफोर्स वाले का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अब लिखो अगला क्वेश्चन, एक बताया था मैंने नेशनल रेलवे यूनिवर्सिटी, ये बता दिया था शायद, रेलवे यूनिवर्सिटी, नेशनल रेलवे यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हो गई है ये वडोदरा में, नेशनल रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी,
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, और वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल लोकटक लेक मणिपुर। लोकटक लेक मणिपुर वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग टाइप का एलिमेंट्री स्कूल लोकटक लेक मणिपुर, और मणिपुर में ही है फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम केबुलम जाओ। मणिपुर में ही है फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम केबुलम जाओ, और यहीं की है फेमस पर्सनैलिटी शर्मिला इरम, जिन्होंने एफ्सपा का विरोध किया था, 16 साल तक व्रत रखा, फास्ट रखा था, ड्रिप से खाना देते थे उनको, शर्मिला इरम जिन्हें कहते हैं आयरन लेडी, इन्होंने विरोध किया था एफ्सपा का, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एफ्सपा 1958 में पास हुआ वो कानून है जो आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा पावर देता है डिस्टर्ब्ड एरिया में डील करने के लिए। एग्जांपल के लिए जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है पुलिस उसको टैकल नहीं कर सकती है, तो आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा पावर दी गई एफ्सपा के तहत। 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में एफ्सपा लगा हुआ है लगातार, और नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म की प्रॉब्लम है वहाँ भी लंबे समय से एफ्सपा लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में तीन राज्य, देखो टोटल तो आठ राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, आठ राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, ट्रिपल एम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सात हो गए प्लस सिक्किम आठ, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा प्लस सिक्किम आठ। सिक्किम में एफ्सपा नहीं है, त्रिपुरा में 2015 में फ्री हुआ है त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी एफ्सपा लगा हुआ था लंबे समय तक, त्रिपुरा भी एफ्सपा फ्री हो गया। 2018 में मेघालय से भी एफ्सपा हटा लिया गया है, मेघालय से भी एफ्सपा हटाया गया है, पर अभी भी एफ्सपा में है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये एरिया अभी भी एफ्सपा में है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक लॉ जो आर्म्ड फोर्सेस को एक्सट्रीम पावर देता है डिस्टर्ब्ड एरिया में डील करने के लिए। डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा सरकार का विरोध हो रहा हो, जहां पर सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा हो, या इंटरनल कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, या टेररिज्म का इशू हो जाए, उन जगह पर लगाया जाता है ये, ठीक है। लिखिए इसके बाद, तो शर्मिला इरम ने 16 साल तक विरोध किया कि मणिपुर में एफ्सपा हटा लिया जाए, पर राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिवोक एफ्सपा फ्रॉम मणिपुर, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एफ्सपा को मणिपुर से हटा पाएं। तो शर्मिला इरम ने 2017 में इलेक्शन हुए, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी पीपुल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस, शर्मिला इरम ने एक पार्टी बनाई थी पीपुल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस, 17 में इलेक्शन लड़ी, 90 वोट्स मिले तो इलेक्शन हार गई, उसके बाद उन्होंने अपना फास्ट भी छोड़ दिया और ये डिमांड अब सब बंद हो गई। तो शर्मिला इरम इसीलिए न्यूज़ में रहती थी, आयरन लेडी बोला जाता है, एफ्सपा का 16 साल तक विरोध किया इन्होंने कि ये मणिपुर से हटा लिया जाए। व्हाट इज कैजिन सारा, व्हाट इज कैजिन सारा एंड व्हाट इज क्रेम पूरी, ये क्या चीज है कैजिन सारा, क्रेम पूरी, वीवीपैट, वीवीपैट की तो फुल फॉर्म बताओ बस। कैजिन सारा वर्ल्ड की सबसे ऊंची लेक पाई गई है नेपाल में, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, डिस्कवर्ड इन नेपाल। वर्ल्ड हाईएस्ट लेक डिस्कवर्ड इन नेपाल, कैजिन सारा। क्रेम पूरी वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन की गुफाएं, सैंडस्टोन देखो सेडिमेंट्री, तीन तरह की रॉक्स होती हैं, एक है सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने, एक होती हैं मेटामॉर्फिक कायांतरित, और एक होता है इग्नियस, इग्नियस का मतलब आग्नेय चट्टाने।
तो ग्रेनाइट मिलना या प्यूमाइस मिलना या फॉसिल फ्यूल्स मिलना अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टाने इन्हीं में पाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो किसी ना किसी लिविंग मैटर से आए होंगे, जो चीज़ें पहले लिविंग थी वो डेड हो गई, डेड होने के बाद ज़मीन में दब गई, उन पर टेम्परेचर प्रेशर पड़ा तो वो कन्वर्ट हो गए आगे जाके फॉसिल फ्यूल में। मतलब फॉसिल फ्यूल बनते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल हैं, जबकि यूरेनियम और थोरियम जैसी चीज़ें कोई भी लिविंग मैटर से नहीं बनती हैं, ये अर्थ के स्ट्रक्चर का पार्ट है, ओर्स से निकाली जाती हैं, ओर्स। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल में आते हैं, जबकि यूरेनियम थोरियम फॉसिल नहीं है, ये अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। तो क्रेमपुरी वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव पाई गई है, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल रॉक्स। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल रॉक्स। वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव पाई गई है मेघालय क्रेमपुरी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव्स डिस्कवर्ड इन मेघालय। तो जब वर्ल्ड की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव पाई गई है और सैंडस्टोन के एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है, तो क्या इसके अंदर फॉसिल फ्यूल भी होंगे? इसके अंदर फॉसिल फ्यूल भी होंगे कि नहीं? सेडिमेंट्री रॉक के तीन एग्जांपल बोले मैंने, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल रॉक। शेल SHALE, और शेल रॉक के अंदर जो ऑयल पाया जाता है शेल ऑयल, जो गैस पाई जाती है शेल गैस। शेल गैस कुछ और नहीं है, नेचुरल गैस है, शेल की चट्टानों में मिलने के कारण उसका नाम शेल है। है वो सिंपल नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती है मीथेन ज़्यादा, तो शेल गैस का कंपोजिशन भी ज़्यादा मीथेन है। मीथेन के अलावा उसमें होता है प्रोपेन इथेन। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल रॉक्स ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं। सैंडस्टोन पाई गई है मतलब इसके अंदर फॉसिल फ्यूल भी मौजूद होंगे। वीवीपैट, क्वेश्चन मेरा ये है, इसका इस्तेमाल पहली बार कहाँ हुआ था? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। कुछ टाइम पहले न्यूज़ में क्या चल रहा था कि ईवीएम में जब वोट देते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ईवीएम हैक हो जाता है, तो ईवीएम के साथ एक प्रिंटर लगा दो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब आप वोट दोगे तो ये प्रिंटर से रिसिप्ट आएगी स्क्रीन के ऊपर, जैसे एटीएम में करते हो, पर एटीएम में तो रिसिप्ट आप लेके चले जाते हो, यहाँ पर लेके नहीं जाओगे, ड्रॉप बॉक्स होगा, कुछ सेकंड के बाद वो रिसिप्ट चली जाएगी उसके ड्रॉप बॉक्स में। तो जब आप ईवीएम पे वोट दोगे तो साथ में मशीन लगी होगी, प्रिंटर लगा होगा, उस पर रिसिप्ट प्रिंट होगी, कुछ सेकंड के लिए दिखाएगा कि आपने वोट किसको दिया और वो चला जाएगा ड्रॉप बॉक्स में। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैचिंग कर लेंगे ईवीएम के डाटा को और वीवीपैट की रिसिप्ट को, मिलान कर लेंगे अगर किसी को दिक्कत है। पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था 2013 नागालैंड में, ये भी नोट कर लो। वीवीपैट फर्स्ट टाइम यूज्ड इन नागालैंड 2013 में इस्तेमाल हुआ था पहली बार नागालैंड में। प्रिंटिंग डिवाइस है, डेवलप किया था इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वीवीपैट इट इज एन प्रिंटिंग डिवाइस अटैच्ड विद EVM टू प्रिंट अवर वोट्स डेवलप्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो वीवीपैट प्रिंटिंग डिवाइस है, ईवीएम के साथ अटैच कर दिया, प्रिंट करेगा वोट्स को, डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
स्पीड कहीं भी तेज लग रही है आप इसमें बोल दीजिएगा। डिप्लोमा क्लासेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईवीएम फर्स्ट यूज इन केरला, नो ईवीएम फर्स्ट टाइम यूज इन 2013 नागालैंड, नागालैंड नोक्सन असेंबली, फैज ने करेक्ट लिखा है नोक्सन असेंबली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ECIL एंड BEL, अगला लिखो। इंडिया से नेपाल रेल लिंक डेवलप कर रहे हैं, कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं? इंडिया नेपाल जो रेल लिंक डेवलप किया जा रहा है वो कहां से कहां कनेक्ट करेगा? रक्सौल से काठमांडू, इंडिया नेपाल रेल लिंक, इंडिया नेपाल रेल लिंक, ये कहां से कहां डेवलप हो रहा है? रक्सौल से काठमांडू, रक्सौल इज इन बिहार, रक्सौल इज इन बिहार। इंडिया नेपाल के बीच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन डेवलप हो रही है, इंडिया नेपाल के बीच में पेट्रो प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन बनाई जा रही है, कहां से कहां? इंडिया नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन मोतिहारी टू अमलेखगंज, इंडिया नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन बनाई जा रही है मोतिहारी अमलेखगंज, मोतिहारी इज इन बिहार, मोतिहारी इज इन बिहार, तो मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन डेवलप हो रही है, मोतिहारी बिहार अमलेखगंज नेपाल। इंडिया बांग्लादेश ऑयल पाइपलाइन बनाई जा रही है, कहां से कहां? इंडिया बांग्लादेश ऑयल पाइपलाइन, इंडिया बांग्लादेश ऑयल पाइपलाइन ये बन रही है सिलीगुड़ी से पर्वतीपुर, सिलीगुड़ी से पर्वतीपुर, सिलीगुड़ी पर्वतीपुर पाइपलाइन ऑयल पाइपलाइन है बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, और इसमें जो सप्लाई आएगी असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, असम में रिफाइनरी है नुमालीगढ़, यहां से आएगा ऑयल, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम से सप्लाई होगी, बांग्लादेश तक जाएगी है पाइपलाइन सिलीगुड़ी पार्वतीपुर। अगला क्वेश्चन, रेलवे की जो लेटेस्ट जोन है 17 नंबर जोन थी कोलकाता मेट्रो, रेलवे का 17 नंबर जोन कोलकाता मेट्रो था, और कोलकाता मेट्रो अभी उसमें वर्क चल रहा है अंडरग्राउंड अंडर वाटर टनल बनाने का, अभी ऑपरेशनल तो नहीं है पर आधे किलोमीटर के आसपास टनल बनाई जा रही है, उसमें अंडर वाटर टनल, रिवर है हुगली रिवर, हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से ही निकली हुई धारा है, गंगा से निकली हुई धारा है हुगली रिवर, उसके एक तरफ कोलकाता एक तरफ हावड़ा, तो कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने के लिए या तो हुगली के ऊपर ओवरब्रिज बनाते, पर कोलकाता मेट्रो में वो क्या कर रहे हैं अंडर वाटर टनल बना रहे हैं, जो इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल होगी, कनेक्ट करेगी कोलकाता को हावड़ा से, बनाई जा रही है हुगली रिवर में, लंबाई तकरीबन आधे किलोमीटर के आसपास, अभी ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशनल उसको होना है, ठीक है, ऑपरेशनल होना है। देखिए और कोलकाता मेट्रो अकेली मेट्रो ऐसी है जो इंडियन रेलवे के अंदर आती है, बाकी सब तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल की शेयर होल्डिंग इस तरीके से, पर जो कोलकाता मेट्रो है वो अकेले पूरी तरीके से रेलवे की जोन है, 17वीं जोन है, और 18वीं नंबर जोन रेलवे की बन रही है वाइजैग साउथ कोस्ट रेलवे,
18 नंबर का जोन है रेलवे का, साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे लिखो इसमें एक लाइन। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल कोलकाता टू हावड़ा, पार्ट ऑफ कोलकाता मेट्रो, बनाई जा रही है विद इन हुगली रिवर। और कोलकाता मेट्रो है 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे, ये भी नोट कर लो, कोलकाता मेट्रो है 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे, और 18th जोन जो बन रही है साउथ कोस्ट रेलवे, 18th जोन है साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर होगा वाइजैग, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पूरा लिख लो ये। सीएनजी वाली पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई है, थोड़ी दूरी की चलाई गई है सीएनजी ट्रेन, सीएनजी वाली ट्रेन चलाई गई है बिटवीन रिवाड़ी रोहतक हरियाणा, रिवाड़ी रोहतक वहाँ चलती है सीएनजी ट्रेन एक रूट पे, और पहली पार्शियली सोलर ट्रेन, पूरी तरह सोलर तो नहीं, लोकल ट्रेन है, डेमू, डेमू बोलते हैं इसको, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इंडिया की पहली पार्शियली सोलर डेमू ट्रेन, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ये कहाँ पर चलाई गई, ये चलती है सराय रोहिल्ला दिल्ली से लेकर फारूख नगर हरियाणा, सराय रोहिल्ला दिल्ली से लेकर फारूख नगर हरियाणा तक। किस कंपनी ने बायोफ्यूल वाली फ्लाइट उड़ाई है, स्पाइस जेट ने उड़ाई है बायोफ्यूल फ्लाइट, जो कि देहरादून दिल्ली रूट पे, देहरादून दिल्ली रूट पर टेस्टिंग की है, और वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन वाली ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं फ्यूल सेल के अंदर, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है जर्मनी ने, जर्मनी, और पूरी तरह सोलर ट्रेन, वर्ल्ड की पहली फुली सोलर ट्रेन चलाई ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में, ऑस्ट्रेलिया, लिखो जरा दो चार लाइन, वर्ल्ड की पहली सोलर ट्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडियाज फर्स्ट सोलर ट्रेन, सोलर ट्रेन में भी डेमू लोकल ट्रेन है। डेमू लोकल ट्रेन है, इसका मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मतलब सोलर भी है और डीजल सिस्टम भी यूज हो रहा है, तो दोनों पार्शियल है, मतलब फुली सोलर नहीं है, पार्शियल है। रूट है इसका सराय रोहिल्ला टू, सराय रोहिल्ला टू फारूख नगर, सराय रोहिल्ला टू फारूख नगर। इंडिया का 100% सोलर पावर सिटी, 100% सोलर पावर सिटी दीव, दमन एंड दीव में, दीव है 100% सोलर पावर सिटी, सूरत के नज़दीक है ये, सूरत के नज़दीक है, सूरत लोकेटेड है किस रिवर के किनारे, तापी रिवर, तापी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तापी रिवर के ऊपर डैम कौन सा है, उकाई डैम, UKAI, पेनिनसुला, पेनिनसुला शब्द का मतलब होता है एक लैंड मास जिसके तीन तरफ पानी हो, वो लैंड मास जिसके तीन तरफ से पानी हो, तो इंडिया का जो साउथ का हिस्सा है तीनों तरफ से पानी, गुजरात से लेकर नीचे पूरा एरिया पेनिनसुला है, और पेनिनसुला में नदियों को दो तरह से बांटा गया है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग, पेनिनसुला में नदियों को दो तरह से बांटा, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग, गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी ये सब ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग नदियों पर क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि नर्मदा तापी लूनी माही घग्घर साबरमती सरावती ये सब वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां हैं, चाहो तो लिख लो नर्मदा तापी लूनी माही घग्घर साबरमती सरावती ये सब वेस्ट में बहती हैं, इनमें नर्मदा और तापी दोनों बहती हैं रिफ्ट वैली के बीच से,
रिफ्ट वैली मतलब दो पहाड़ों के बीच से घाटियों से होकर गुजरती है, जैसे नर्मदा के नॉर्थ में ऊपर पड़ता है विंध्या और साउथ में पड़ता है सतपुड़ा। नर्मदा के नॉर्थ में विंध्या, साउथ में सतपुड़ा, तो नर्मदा और तापी दोनों ही रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां हैं। तो ये पॉइंट कैसे हमने शुरू किया, दीव सूरत के नज़दीक है, सूरत है तापी के किनारे बसा हुआ, तापी पे डैम है उकाई डैम, और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो और भी होंगी, तापी, नर्मदा, लूनी, माही, घग्गर, साबरमती, सरावती, ये सभी वेस्ट में बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा के ऊपर डैम है जैसे कि ओमकारेश्वर, लॉर्ड शिवा के जो 12 ज्योतिर्लिंग फेमस हैं उनमें एक ओमकारेश्वर, तो डैम भी है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, इंदिरा सागर, और हाल ही में कंप्लीट हुआ सरदार सरोवर डैम, जिसके पास बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल का आयरन स्टैचू। सरदार वल्लभ भाई पटेल में ये सरदार जो नाम आया ये बारदोली के किसानों ने उनको दिया था, उनके सपोर्ट में इन्होंने मूवमेंट किया था, तो बारदोली के किसानों ने ही इनको सरदार टाइटल दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर का टॉल स्टैचू सरदार सरोवर डैम नर्मदा के ऊपर उसके नज़दीक में बना है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, वो 126 मीटर है चाइना, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 126 मीटर, बहुत ज़्यादा गैप है सरदार सरोवर में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा में। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसका आधा है, 93 मीटर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका इसका आधा 93 मीटर है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने खुद नहीं बनाया था, फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया ने खुद बनाया सरदार सरोवर डैम के नज़दीक, कि वहाँ पर अगर स्टैचू पे जाओगे बीच में जगह है ऊपर पहुँच जाने की, और वहाँ से सरदार सरोवर डैम का व्यू आता है, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए था बेसिकली, तो समझ आ गया। और सूरत की, सूरत से बात शुरू हुई, सूरत है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर, डायमंड को कट करने वाला और पॉलिश करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है सूरत। तो फिर इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित होगा, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भी सूरत में ही है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भी सूरत में ही है, ठीक है। और भी इंटरलिंक कर सकते हैं हम, कितना मर्जी इंटरलिंक कर सकते हैं इसको। डायमंड प्रोडक्शन की बात करोगे तो कच्चा हीरा अगर मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है रशिया का, पर डायमंड क्वालिटी वाइज अगर कहोगे ज्वेलरी टाइप डायमंड तो बोत्सवाना टॉप पर है, अफ्रीका का एक कंट्री है बोत्सवाना, लैंडलॉक कंट्री है, कहीं से भी ओशियन से बाउंड्री नहीं बनाता, अफ्रीका का एक कंट्री बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है, वो ज्वेलरी टाइप डायमंड हाई क्वालिटी डायमंड में टॉप पर है। टोटल डायमंड मिला देंगे, कच्चा हीरा मिला देंगे तो रशिया टॉप पर है। साउथ अफ्रीका की किम्बरले माइंस काफ़ी फेमस हुआ करती थी डायमंड के लिए, कुछ टाइम से उसमें माइनिंग को बंद भी कर दिया गया था, साउथ अफ्रीका की ही किम्बरले डायमंड के लिए ही फेमस रही है, ठीक है। तो इंडिया का 100% सोलर पावर सिटी दीव, और एक मैंने बताया था सीएनजी पावर ट्रेन, सीएनजी ट्रेन रिवाड़ी रोहतक, इंडिया की पहली सीएनजी ट्रेन, ये रिवाड़ी रोहतक हरियाणा, सीएनजी क्या चीज, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होता है मेनली मीथेन, मीथेन के अलावा होता है प्रोपेन, प्रोपेन के अलावा होता है इथेन, पर सीएनजी पेट्रोल डीजल से अच्छा है, पर जब यह जलता है तो कुछ नैनो पार्टिकल एमिट करता है, वो हार्मफुल है। सीएनजी पेट्रोल डीजल से अच्छा है पर ड्रॉबैक इसके भी हैं, पॉल्यूशन ये भी करता है। तो एक कंसेप्ट आया कि 20-30% हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर दो सीएनजी में, हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग कर दो सीएनजी में तो क्या बन जाएगा, एच सी एन जी, 20-30% हाइड्रोजन की मिक्सिंग कर दी जाए सीएनजी के अंदर तो पॉल्यूशन कम करेगा, जो CO2 वगैरह रिलीज हो रही है वो भी कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पर होगा क्या, महंगा हो जाएगा। अगर क्लीन करना है सीएनजी को और क्लीन करना है तो उसमें 20-30% हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की जाती है, फ्यूल महंगा हो जाएगा पर क्लीन रहेगा। और ये ब्लेंडिंग की जाती है किस प्रोसेस के द्वारा, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये हल्का सा एक एग्जांपल है, इंटरलिंकिंग तो हम कितनी भी कर सकते हैं, अमरकंटक का उसका नर्मदा का जिक्र आया तो हम बोल सकते हैं भाई नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और कौन सी नदी निकलती है, सोन निकलती है,
अमरकंटक के नज़दीक से महानदी निकलती है जिस पे हीराकूड डैम बना हुआ है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, तो कितना मर्जी इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक लेक्चर बताया, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और भी इस तरह के लेक्चर में प्लान कर दूंगा तो उसमें कवरेज और बढ़ जाएगी फिर आपकी। जोहानिसबर्ग को बोलते हैं अंश, करेक्ट है, गोल्ड सिटी, गोल्ड सिटी जोहानिसबर्ग को बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताए, या कोई स्पीड ज़्यादा लग रही है, कोई किसी को परेशानी हुई हो तो मुझे बताए। कल नहीं है क्लास, कल मेरी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, देखते हैं 2 तारीख या 2 तारीख के बाद शुरू होगा, फिर 2 तारीख या उसके बाद शुरू करेंगे। इस सेशन का फ़ायदा ये होता है कि 1 घंटे में इतना अपडेशन हो जाता है, कम टाइम में करंट अपडेट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट ऑल।